गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द टीसीएन फैमिली ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नीलमणि में से चैप्टर नंबर 15 का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा दोहरान कार्य चल रहा है। इसमें हम आज अपने समय पर कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बताया गया है कि हर काम अपने समय पर होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी करने से मुसीबत आती है। इस घटना के बारे में इस कहानी में बताया गया है, तो आप सभी इसका अध्ययन करेंगे। एक थी परी, नन्ही नन्ही और प्यारी प्यारी। उसके पंख तितली जैसे थे, चेहरा चांद जैसा था, आंखें झील जैसी थी और गाल सेब जैसे। अब आप लोगों ने भी वैसे तो परी को नहीं देखा होगा, हाँ सपने में, जबकि आपके दादा दादी या फिर कभी मम्मी पापा रात में आपको स्टोरी सुनाते होंगे, कभी परियों की कहानी आपको सुनाई होगी। उस बीच आपने देख, जब आप सोते हैं उस समय आपको एक जैसे सपना आया होगा, तो उसमें आपने परी को देखा होगा, तो उसमें भी परी आपको इसी तरह दिखाई दी होगी, जैसे कि वो छोटी सी प्यारी सी तितली जैसे उसके पंख हैं, क्योंकि परी है, परी उड़ती भी है, उसके पंख भी होते हैं और वह बहुत प्यारी सी होती है, तो आपने उसको देखा होगा, है ना। ये जो प्यारी सी परी थी, उसे बच्चों के पास रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रीमा, मीतू और टीना खेल खेल रही थी। अबू, मेघा और रोहित भी खेल रहे थे। छुट्टी का दिन था, बच्चे मजे से खेल रहे थे। परी पेड़ में छिपकर उनका खेल देख रही थी। अब परी है, एकदम सामने तो नहीं आएगी ना, तो वो क्या पेड़ पर छिपकर इन बच्चों का खेल देख रही थी और इन्जॉय कर रही थी। उसे भी बड़ा मज़ा आ रहा था, यानी कि बच्चे तो खेल रहे थे, बच्चों को तो मज़ा आएगा ही, परी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि वह खेल खेल रहे हैं, बच्चे खेल खेल रहे हैं और परी उनको देख रही है। सूरज दादा आसमान के बीच आ गए। अब जो सूरज दादा है वो कहाँ आ गए, आसमान के बीच आ गए। गर्मी बढ़ गई, अब दोपहर का समय होता है, उस समय अक्सर बहुत तेज गर्मी होती है, तो बच्चों को पसीना आ गया। अब दोपहर के समय जब खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अब खेल रहे हैं तो बैठकर तो नहीं खेलेंगे, है ना, उसमें चलेंगे भी, दौड़ेंगे भी, भागेंगे भी, सब होगा, तो उसमें क्या था, बच्चों को पसीने आने लगे। वे पेड़ के नीचे छाया में आ गए। अब जब सब बच्चे थक गए, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी, तो वो क्या कहाँ आ गए, पेड़ के नीचे आ गए। मीनू बोली, कितनी गर्मी है। अब्बू ने कहा, हाँ सूरज दादा तो आज बहुत नाराज लगते हैं, यानी कि बच्चों को गर्मी फील हो रही है, तो उनका कहने का मतलब है कि आज तो सूरज दादा बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहे हैं, जिससे हम लोगों को पसीने आ गए हैं, हम थक गए हैं, देखो कैसी आग बरस रही है। अब सभी बच्चे जिनको गर्मी लग रही है, वो सूरज दादा के बारे में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। हालांकि अब दोपहर का समय होता है, उस समय सूरज आकाश के बीच होता है, उस समय गर्मी तो होगी ही, तो सब बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आज ही सूर्य देवता बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं, हमसे ऐसी कुछ गलती हो गई है जिससे सूर्य देव नाराज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा धूप दे दी है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। रोहित बोला, काश वर्षा हो जाती। रोहित क्या कहते हैं, क्या काश की वर्षा हो जाती। इस पर सभी बच्चे चिल्लाने लगे, हाँ हाँ वर्षा वर्षा, यानी कि बरसात हो जाएगी तो मौसम थोड़ा सुहाना हो जाएगा और उनको खेलना बहुत अच्छा लगेगा।
परी पेड़ के नीचे उतरे। अब परी परी जो कि उनकी बातें सुन रही थी, पहले उनका गेम देख रही थी, फिर बाद में उनकी बातें सुन रही थी, वह बच्चों की बातें सुनते हुए पेड़ से नीचे आ गई। बच्चों ने उसे देखा तो डरने लगे। अब बच्चे अचानक से किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो तो वहाँ खेलने आए थे, अचानक से कोई चीज़ उनके सामने आ जाती है तो अक्सर डर तो लग ही जाता है, तो बच्चे भी डर गए। परी ने कहा, डरो मत, मैं आप सबको खेलते हुए देख रही थी कि बच्चों आप डरो नहीं, मैं तो आप सबको जो आप यहाँ गेम खेल रहे हैं, मैं तो वो गेम देख रही थी, आपको खेलते हुए देख रही थी। बच्चों ने पहली बार कोई परी देखी। अब बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम ही किसी परी को देखा था जो कि अचानक से उनके सामने आ गई थी। वे देखते ही रह गए, वो उसको देखते ही रह गए, क्योंकि परियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, और इसकी बोली भी इतनी मधुर थी। यानी कि परी तो सुंदर थी ही, बहुत प्यारी सी लग रही थी, प्लस उसकी जो अब बोलने का स्टाइल था वो भी बहुत अच्छा था। परी बोली, आप लोगों को क्या चाहिए? यानी कि बच्चों को परेशान देखकर जो परी थी उसको उन पर दया आ गई और वो पेड़ से नीचे बच्चों के पास आ गई थी। अब वो बच्चों से पूछती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए? सब एक साथ बोले, बरसात। यानी कि बच्चों को तो बहुत तेज गर्मी लग रही थी ना, तो अब उनको क्या चाहिए थी? बरसात। सब ने एक साथ कह दिया कि हमें तो बरसात चाहिए। देखते देखते आसमान में बादल छा गए। अब थोड़ी ही देर में क्या हुआ, आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़की। अब आपने देखा है बरसात का मौसम होता है, काली काली घटाएं आ जाती हैं, बादल छाते हैं और बिजली भी कड़कने लगती है, चमकने लगती है ना? तो अब यहाँ पर भी यही हुआ, देखते देखते बादल भी छा गए और बिजली कड़की, बूंदें पड़ने लगी, यानी कि बरसात स्टार्ट हो गई है। बच्चे खुश होकर खेलने निकल पड़े। यानी कि जब स्टार्टिंग की बरसात हुई, थोड़ी थोड़ी बरसात थी, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो उस हल्की हल्की बरसात में वो खेलने लगे। परी को शुक्रिया कहना चाहते थे, पर वह तो कहाँ, कहीं दिखी ही नहीं। अब परी ने तो बरसात को बुला दिया और परी महारानी तो उड़ गई, है ना? अब बच्चे देखते हैं कि हाँ चलो, परी ने हमारे लिए बरसात लाई है, अब हम जो है परी को इस बरसात के आने की उसमें धन्यवाद कह देते हैं, क्योंकि परी हमारे लिए बरसात लाई है। लेकिन जब बच्चे उसको धन्यवाद कहने के लिए इधर उधर देख रहे थे कि परी कहाँ है, उसे देखें, उसे धन्यवाद कहें, तो परी उनको कहीं दिखाई नहीं दी, इवन कि परी अपनी जगह चली गई थी। तीन दिन तक पानी ही बरसता रहा। अब परी ने तो बरसात लानी थी, परी तो बरसात लाकर अपने चली गई, लेकिन क्या हुआ, तीन दिन तक बरसात होती रही। अब जब ज़्यादा दिन तक बरसात होती है तो सभी को मालूम है कितना गंदा लगता है ना, उतनी अच्छी बरसात भी अच्छी नहीं लगती, एक लिमिट में ही सब काम अच्छा लगता है। अब बच्चों ने गलती कर ली थी, परी से बरसात मांग ली थी, लेकिन ये तो कहना भूल गए थे कि उनको कितनी बरसात चाहिए। ठीक है, उन्होंने तो ओनली बरसात मांगी और परी ने बरसात दे दी। अब बरसात बरसते हुए तीन दिन बीत गए थे। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़, इतनी वर्षा में खेलना भी मुसीबत था। अब चारों तरफ, अब जब इतनी बरसात हो रही है, तीन दिन से लगातार बरसात हो रही है, तो चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब उस कीचड़ में तो बच्चे नहीं खेल सकते ना, उनकी माँ भी मना करती है। बच्चे तो निकलना चाहते थे कि चलो बरसात हो रही है तो क्या है, कीचड़ है तो क्या है, उनको कौन सा अपना कोई काम करना है, उनको तो खेलना था। लेकिन उनकी माँ भी मना करती, भीगो मत, बीमार पड़ जाओगे, बच्चों पर तो आफत ही आ गई। वे फिर उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब जो इतनी बरसात हो रही है, बाहर कीचड़ हो रहा है, बच्चे तो बाहर निकलेंगे ही, लेकिन उनकी जो मम्मी है और बड़े लोग हैं, सब उन्हें मना करने लगे कि अब तुम बाहर नहीं जाओगे, बाहर बरसात हो रही है, बरसात में भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे, है ना? तो बरसात में ज़्यादा भी भीगना अच्छा नहीं होता है। हाँ, हल्की हल्की बरसात होती है, मौसम अच्छा होता है, उस समय आप थोड़ा सा बरसात में भीग सकते हो, थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब बच्चे जो कि अब मम्मी पापा भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं,
है ना, डर से कि कहीं बच्चे बीमार नहीं हो जाए। अब बच्चे तो इतनी बरसात हो गई कि बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वे फिर जाकर जैसे तैसे जाकर जिस पेड़ के नीचे परी आई थी उसी पेड़ के नीचे जाकर इकट्ठा हो गए। अबू बोला, इतने दिन हो गए हमने क्रिकेट नहीं खेला। अब अबू जो कि सब बच्चे गर्मी के मारे नहीं खेल पा रहे थे इसीलिए उन्होंने बरसात मांगी थी, लेकिन अब इतना टाइम हो गया था, कीचड़ हो गया था, उसमें क्रिकेट नहीं खेल सकते, कैसे खेलें, फिसल कर गिर जाएंगे, है ना। तो कितना दिन हो गए हमने क्रिकेट नहीं खेला, टीना बोली। मैं तो घर के भीतर बोर हो गई हूँ, माँ कहीं भी जाने ही नहीं देती। अब टीना कहती है, वाकई में मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। डर के मारे बरसात में भीग जाएगी, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, बरसात में भीगेगी, बुखार हो जाएगा, तो इसलिए कोई बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। मेघा ने कहा, काश धूप निकल आती। अब मेघा को माइंड हुआ, उसने सोचा कि काश अब थोड़ी बहुत धूप भी आ जाए। सभी बच्चे चिल्लाए, धूप धूप धूप। सभी बच्चों को यही हो रहा था कि अब बहुत बरसात हो चुकी है, अब तो धूप आ जानी चाहिए ताकि जो हमारी मम्मी हैं, हमारे घर के बड़े लोग हैं, वो हमें बाहर आने से ना रुके। तो सभी बच्चे चिल्लाए धूप धूप। तभी वहाँ परी आ गई। अब जैसे परी तो उसी पेड़ पर बैठी है ना, परी भी आ गई। परी ने कहा, वर्षा भी तो तुम ही ने मांगी थी, यानी कि बरसात भी तो आप लोगों ने ही मांगी थी। रोहित ने कहा, हाँ पर अब नहीं चाहिए, कि उस समय तो बरसात चाहिए थी, लेकिन अब तो इतनी बरसात हो गई है कि हमको और बरसात नहीं चाहिए। परी ने पूछा, क्या कभी नहीं चाहिए? अब ये बता दो, पहले भी आप लोगों ने ये नहीं बताया कि आपको बरसात तो चाहिए थी, लेकिन कब तक चाहिए थी, कितनी बरसात चाहिए थी? पहले भी आप लोगों ने ये नहीं बताया था, लेकिन अब बता दो कि आपको बरसात कब तक नहीं चाहिए? ऐसा नहीं हो कि आज बाद में बरसात ही नहीं हो। परी ने पूछा उनसे, क्या तुमको बरसात कभी नहीं चाहिए? इस बात पर सब चुप हो गए। अब परी उनको देख रही है, क्योंकि बच्चे भी समझ गए कि काश हमने ये कह दिया कि हाँ हमको कभी नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं हो कि बरसात कभी नहीं हो, है ना। तो सभी बच्चे अब चुपचाप परी को देख रहे हैं कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, जो भी बोलना है सोच समझ कर ही बोलना है, कहीं ऐसा नहीं हो कुछ उल्टा ही हो जाए, हम फिर घर में बंदी बन जाए, है ना। तो परी ने कहा, देखो जैसा तुम अपना काम करते हो, यानी कि सभी लोग अपना अपना वॉक करते हैं, तो उसी तरह वैसे ही गर्मी जाड़ा धूप को भी करने दो। यानी कि अब ये तो सीज़न के हिसाब से ही आती है, कभी बरसात का मौसम आता है, कभी जाड़े का मौसम आता है, कभी धूप अच्छी अच्छी धूप खिलती है ना। गर्मियों में तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, बाहर ही नहीं निकल सकते। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो किसी के काम में दखल देना ठीक नहीं। यानी कि हम अगर ये सोचें कि आज हमें बरसात चाहिए तो आज ही बरसात चाहिए, चाहे वो गर्मी का मौसम है ना। आज हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बरसात चाहिए, आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है तो भगवान धूप निकाल दो, तो ये हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा। ये तो जैसा चल रहा है उसी के हिसाब से चलेगा। तो बच्चे चुपचाप उसको देख रहे हैं। तो किसी के करी उनको समझाती है कि किसी के भी काम में दखल देना अच्छी बात नहीं होती। बच्चे समझ गए और अब परी ने उनको धूप भी दे दी थी, तो सभी बच्चे खेलने लगे। आपको लेसन कैसा लगा? अब आप सब इसको रीड करिए और अच्छे से समझिए कि इस लेसन में आपको क्या समझाया गया है। इस लेसन में मौसम के बारे में बताया गया है, परी बच्चों को किस तरह से समझा रही है, कैसे समझा रही है, ये सब आप लोग समझेंगे। और आपकी जो PDF आ रही है आप उसका वर्क करिए। 16 दिसंबर को जब स्कूल रीओपन होगा आपका वर्क चेक किया जाएगा, तो आप अपना वर्क कंप्लीट रखिए, कोई भी वर्क आपको छोड़ना नहीं है। थैंक यू।